कांग्रेस महानगर अध्यक्ष पर छेड़छाड़ के आरोप में एफआईआर दर्ज। मुरादाबाद कांग्रेस महानगर अध्यक्ष सहित 5 लोगों पर एक महिला ने घर में घुसकर छेड़खानी करने व मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया है। महिला का आरोप है कि हाजी रिजवान खुद कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष हैं और समाजवादी पार्टी के देहात विधायक हाजी इकराम कुरैशी के भतीजे हैं, इसलिए वो दबंगई कर रहे हैं। पीड़िता का आरोप है कि उनके घर के नीचे बनी दुकान को फरहान कुरैशी नाम के व्यक्ति ने किराए पर ले रखा है, जहां वो मीट के कबाब बेचने का धंधा करते हैं। 26 अगस्त को उनके घर में ज्यादा धुआं आने के कारण जब उन्हें फरहान कुरैशी को टोका तो फरहान कुरैशी ने अपने भाई फैसल रफीक व कांग्रेस नेता हाजी रिजवान कुरैशी व 2-3 अन्य लोगों को बुला लिया, जो उनके घर में घुस आए और उनके साथ गाली गलौज करते हुए उनके साथ गंदी गंदी हरकतें करने लगे। साथ ही धमकी देने लगे कि तुम्हें जान से मार देंगे। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता हाजी रिजवान, जिन्हें वो अच्छी तरह पहचानती थी, उन्होंने भी धमकी देते हुए कहा कि पुलिस भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। पीड़िता का ये भी आरोप है कि आरोपियों के पास हथियार भी थे। शोर शराबा होने के कारण ये सभी जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से फरार हो गए। फिलहाल मुरादाबाद की थाना गलशई पुलिस ने 3 सितंबर को ही कांग्रेस महानगर अध्यक्ष हाजी रिजवान कुरैशी, रफीक, फरहान, फैसल सहित एक अज्ञात के खिलाफ 147, 354, 452, 504, 506 IPC में मुकदमा दर्ज कर लिया है। लेकिन आज 10 दिन बाद पीड़िता के मीडिया के सामने आने के बाद पुलिस अधीक्षक नगर अमित आनंद के मुताबिक मामला दर्ज कर लिया गया है। जल्द ही जाँच के बाद जरूरी कार्यवाही की जाएगी। सर, थाना गलशई में कांग्रेस नेता हाजी रिजवान खिलाफ मामला दर्ज है, क्या मामला? ये थाना गलशहीद में एक महिला ने तहरीर दी है कि उसके घर में कुछ वाद विवाद हो गया था उसके किराएदार और उसके नौकर से। फिर बाद में कई लोग उसके घर पे आए, जिसमें ये रिजवान कुरैशी का भी नाम उन्होंने लिया है। इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है, इसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर पूरी कार्रवाई की जाएगी। छेड़छाड़ की भी धाराएं लगी हैं? हाँ, इसमें जो उन्होंने आरोप लगाए हैं उसमें 354, 452 जो मारपीट की धाराएं हैं, 323, 504, 506 वो भी इसमें अंकित की गई, और इसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई पूर्ण करी जाएगी। वहीं कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष हाजी रिजवान कुरैशी के बचाव में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विनोद गुम्बर ने सामने आकर कहा कि सभी आरोप बेबुनियाद हैं, जो जल्द ही सच सामने आने के बाद खत्म हो जाएंगे। वहीं इस मामले में आरोपी कांग्रेस नेता हाजी रिजवान कुरैशी मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं। मैं ये नहीं मानता कि हमारे महानगर अध्यक्ष ने किसी भी बहन के साथ या माँ के साथ कोई बदतमीजी की, क्योंकि अच्छे परिवार से हमारे अध्यक्ष आते हैं। मेरे संज्ञान में प्रेस के द्वारा ये बात आई थी, मैंने पेपर में पढ़ा था। मैंने उनसे पूछा था कि अध्यक्ष जी क्या बात हो गई, तो उन्होंने मुझे बुलाया और 10-12 परिवार के लोगों को एफिडेविट उनके पास थे। उन एफिडेविट को लेके हम CO साहब के पास गए। CO साहब गलशी थाने में बैठे थे, उनसे कहा कि देखिए इसकी पूरी जाँच कराइए, किसी महिला ने ये अगर कोई भी आरोप लगाए हैं, गलत हैं या सही हैं, इसको आप देखेंगे, गलत रिपोर्ट ना लिखी जाए। तो जो एफिडेविट थे, एफिडेविट उनको दिए और वो बोले कि मैं इसकी जांच करूँ।